हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मैंगराज है। स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो में आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैंडस्केप के शुरुआती जो स्केचेस होते हैं उनके बारे में, कि किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं एक लैंडस्केप को। लैंडस्केप बेसिक जो आपको हर जगह दिखते हैं वो होते हैं थर्ड, फोर्थ और फाइव चैप्टर पे दिखते हैं, मतलब एक कदम आगे बढ़ा के दिखाते हैं। मगर वो जो स्टार्टिंग पीरियड होता है कि शुरुआत कहाँ से करी जाए, और जो बिगनर्स होते हैं जिनको अभी तक नहीं जानकारी लैंडस्केप की, जो बच्चे होते हैं खासकर उनके लिए खास ये वीडियो है कि हम स्टार्ट कैसे करें, कैसे वो फील आए कि वो लैंडस्केप की दूरी है। तो हम आज उसी की बात करेंगे। तो पेपर पे ना स्टार्ट करके आज हम बोर्ड पे पेटिकल समझाएंगे कि किस तरीके से आप स्टार्ट करें लैंडस्केप को। तो देखिए, जैसे आप मान लीजिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। अब लाइन हम इसलिए खींच लेते हैं कि हमने दो भागों में बांट लिया पेपर को। जो ऊपर का पार्ट होगा वो मेरा होगा माउंटेन से रिलेटेड, मतलब ऊपर हमारा माउंटेन से रिलेटेड होगा, जिसमें मैं पहाड़ बनाऊंगा और क्या नाम है सूरज बनाऊंगा। ये ऊपर का पोर्शन होगा, नीचे का घास हो गया, नदी हो गई या फिर घर हो गया, ये इस तरीके से बनाया जाता है। पहले ही हम पेपर को इस तरीके से, जो स्टार्टिंग है हम इस तरीके से करेंगे। फिर पहाड़, खासकर बच्चे इस तरीके से पहाड़ बनाते हैं ये, मगर इस तरीके से ना बनाकर, पहाड़ों में कभी एक लाइन नहीं देखी होगी पर्टिकुलर। पहाड़ों पर जब भी लाइन होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब, जैसे ये देखिए, इस तरीके से आप पहाड़ को डिजाइन कर सकते हैं। ये इस तरीके से माउंटेन हम निकाल देंगे। ये हल्का सा सेट हो गया कि एक तरफ का शैडो होगा, कोई भी आप माउंटेन को देखेगा एक तरफ शैडो होता है खासकर, और एक तरफ प्लेन होता है, एक तरफ जहाँ लाइट ज़्यादा पड़ रही होती है। और ये दूरी पता चलती है हमको सूरज की रिफ्लेक्शन से, मतलब सूरज हमें पता होना चाहिए हम किस तरफ से पहले दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये सूरज दिखा रहे हैं, तो अब इधर को रोशनी पड़ेगी, जब इधर को रोशनी पड़ेगी तो जो इस पोर्शन पे होगा वो हल्का सा अंधेरा रहेगा, और अंधेरा का मतलब हुआ पर उसको परछाई कहेंगे। परछाई से हमको ये सेट दिखाना है जो मेरा लैंडस्केप को फेटे बनाएगा। अब हमें निकालनी है नदी। तो नदी की, अगर जैसे हमने यही स्टॉप ले लिया कि हम यहाँ से उठाएंगे, तो नदी को पहले हम यहाँ से देख लेंगे इसको। इस तरीके से हमने नदी का क्रिएटिव कर दिया, नदी निकाल दी। और अब जो जरूरत है मेन घर की, तो घर हम ज्यादा बड़ा तो नहीं बनाएंगे, मगर उतनी पहले आप बना लीजिएगा, मिटारिएगा तब जब आपको उस तरीके उस चीज की जरूरत हो। आप जैसे यहाँ पर आपको घर की जरूरत है, एक झोपड़ी बनाएंगे। इस तरीके से एक झोपड़ी बनाएंगे, और झोपड़ी के बाद इस तरीके से जो, और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कि जैसे हम उस सीनरी को या फिर उस लैंडस्केप को हम जिस तरीके से सुंदर बना सके। बरकरार करेगा, मतलब एक सीनरी में जरूरी नहीं, अभी तो हम फिलहाल चित्र देख नहीं रहे कि अपनी कल्पना से बना रहे, तो इस तरीके से टेक्चर देंगे। अब आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप जब कलर से करेंगे तो टेक्चर्स आप कलर से निकालिए, बाकी पेड़ को आप इस तरीके से भी डिजाइन से दे सकते हैं कि वो टेक्चर लगे कि एक पेड़। ये एक सीनरी जो आपकी तैयार हो गई है, इधर सूरज का रिफ्लेक्शन और इधर ये। अब ये नदी का होगा, ये
ये पोर्शन आपका नदी का होगा। ये होता है बेसिक, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो एक बिगनर को सीखने की जरूरत है जब आप आर्ट को स्टार्ट करते हैं, कि किस चीज को दूरी समझ में आ रही, उसके आगे का क्या पोर्शन समझ में आ रहा है, उसके आगे का क्या पोर्शन समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये एक बेसिक है। और अगर आपको, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ऐसे ही और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।